तो ये देखिए हमारा खक्सी की भाजी बन के तैयार है फ्रेंड्स, तो आप भी इस प्रकार से ट्राई करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खक्सी की भाजी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। खक्सी की भाजी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 3 खक्सी लिया है, इसका कि वेट लगभग 250 ग्राम के आसपास है। इसे फ्रेंड्स अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे घी करेला या जंगली करेला या खक्सी या ककड़ी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम लोग के यहाँ खक्सी बोलते हैं। तो इस प्रकार के शेप में हमें काटना है, इसे बिल्कुल सलाद जैसे काटते हैं, गोल गोल राउंड राउंड शेप में उसी प्रकार से काटेंगे। तो सारे घी करेले को हमने काट लिया है और हमने 3 से 4 मीडियम साइज का प्याज लिया है और उसे 4 भागों में काट के उसके लेयर को अलग कर दिया हमने। और 3 से 4 हमने हरी मिर्च लिया है, उसे 2 भागों में चीरा लगाया है। अब हम कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे, फिर सरसों और उसके बाद ये खस्सी डालेंगे फ्रेंड्स, और उसके बाद हम कवर कर देंगे। इसे कवर करके लगभग 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे तेज फ्लेम पे। तो अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए हमारा हल्का सा ये ब्राउन हुआ है। अब हम इसमें प्याज और हरी मिर्च को ऐड करेंगे। इसमें शुरू में प्याज और हरी मिर्च नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो हमारा प्याज और हरी मिर्च बिल्कुल जल जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा खक्सी होता है बहुत ही हार्ड होता है और इसे काटने में भी थोड़ी सावधानी बरतें। ये बहुत ही हार्ड होता है काटने में अन्य सब्जियों की अपेक्षा, तो हाथ में ना लगे, थोड़ा ध्यान से काटेंगे। तो पहले हम 2 से 3 मिनट तक घी करेले को पका लेंगे अच्छे से खक्सी को, उसके बाद हम तो ये देखिए हमने फिर से इसे ढक के पकाया था। तो ये देखिए ये हमारा लगभग 30 से 40% पक चुका है। तो अब हम बगैर ढाके से पकाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा ये लगभग हमारा 70 से 80% के आसपास पक चुका है। अब हम इसे मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हमने फ्रेंड्स आधी चम्मच हल्दी, धनिया, जीरा, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच के आसपास डाला है। सारे मसालों को आधी आधी चम्मच से थोड़ी सी कम का प्रयोग किया हमने, और नमक आवश्यकता अनुसार हम ऐड करेंगे। मसाले को फ्रेंड्स हम तभी ऐड करेंगे जब हमारा ये खक्सी जो है वो लगभग 80% के आसपास पक चुका होगा, तभी ऐड करेंगे। उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे इस मसाले को भूनेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि ये हमारा मसाला जले नहीं, नहीं तो तेज़ फ्लेम पे हमारा मसाला बिल्कुल जल जाएगा। तो ये देखिए हमने प्याज बाद में डाला था और हरी मिर्च, तो ये देखिए कितना अच्छा पका है। ऐसे पहले डालते तो जल जाता। तो ये देखिए हमारा मसाला भी लगभग भुन चुका है फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा फाइनली खक्सी की भाजी बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल क्रंची बनके तैयार है खक्सी की भाजी फ्रेंड्स। तो आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही फायदेमंद रेसिपी है फ्रेंड्स। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये सेहत के नज़रिए से भी बहुत ही फायदेमंद है। तो ये देखिए हमारा खक्सी की भाजी गर्मा गर्म मसालेदार और क्रंची से भरपूर बनके तैयार है फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे।
फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।